हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उस साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जैसे कि आप जानते हैं, आपका ये चैनल है, आपके इस चैनल पे हमने एजुकेशन वीडियोस के साथ साथ न्यूज़ एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ भी अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को हर चीज़ की जानकारी रहे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, फिर एक बार रिक्वेस्ट है मेरा कि इस चैनल को देखकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 6th to 10th तेलुगु और मैथमेटिक्स से सभी तरीके के वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे और मैं ये काम को आगे बढ़ाते रहूँगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं या आप खुद है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल दीजिए ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सके। आज हम सॉल्व करेंगे 7th क्लास का 10th लेसन नंबर 10th, जिसका नाम है ओप्पू। ओप्पू का मतलब है यहाँ पर राइट थिंग, सही बात। राइट थिंग मैंने सही बात। अब देखिए, ये पोएम है। यहाँ पर ये पोएम का पहले मैं रीडिंग करूँगा, उसके बाद इंग्लिश में मीनिंग समझाऊंगा, उसके बाद आपको उर्दू में समझाऊंगा। देखिए, इंटी की कप्पो, मैं जब रीडिंग करता हूं तो गौर से देखना है आपको वर्ड्स को। इंटी की कप्पो, काली की चप्पो, पाटकु डप्पो, पप्पू को उप्पो, अन्नमलो पप्पू, उंटेने ओप्पो। बहुत इजी पोएम है। देखिए, इंटी की कप्पो, रूफ ऑफ द हाउस, रूफ ऑफ द हाउस। काली की चप्पो, फूट ऑन द फुटवेयर, फूट ऑन द फुटवेयर या फुटवेयर ऑन द फूट कह सकते हैं। पाटकु डप्पू, इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट द सॉन्ग। पप्पू को उप्पू, सॉल्ट इन द दाल या करी, सॉल्ट इन दाल और करी। अन्नमलो पप्पू, सॉल्ट इन राइस या सॉल्ट इन फूड या सॉल्ट इन मिल्स भी आप कह सकते हैं। उंटेने उप्पू, उंटेने ओप्पू, ये रहा तो ही सब राइट थिंग है। अब देखिए, इसको हम उर्दू में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान पोएम है। इंटी की कप्पू, घर पे क्या चाहिए हमको? छत चाहिए। क्यों चाहिए छत? क्योंकि बारिश से, धूप से बचने के लिए हमको छत चाहिए। छत अगर रहेगा तो ये घर कहता है। काली की चप्पू, अगर हम पैर की हिफाजत करना चाहे तो क्या चाहिए हमको? पैर के अंदर चप्पल या जूता कुछ चाहिए ताकि हमको कांटे या पत्थर से हम बच सके। पाटकु डप्पू, गाने के लिए क्या चाहिए? म्यूजिक के वास्ते डप चाहिए, तबला या इंस्ट्रूमेंट। को एक इंस्ट्रूमेंट अगर रहेगा तो गाने का सपोर्ट हो जाएगा, गाना अच्छा भी लगेगा। पप्पू को उप्पू, दाल अगर आप बना रहे तो दाल के अंदर अगर नमक रहेगा तो क्या होगा? दाल अच्छी नहीं लगेगी, दाल टेस्टी नहीं लगेगी, दाल खाने में हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए दाल को हमको खाने के लिए, टेस्टी के लिए नमक होना ज़रूरी है। अन्नम लो पप्पू, जब खाना हम खाते हैं तो खाने के अंदर कुछ ना कुछ हमको सालन चाहिए, करी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? खाने के अंदर दाल। उंटेने ओप्पू, ये सब रहे तो ही हमको सही लगता है। तो क्या कह रहा है अभी? छत, घर पर छत, पैर को चप्पल, गाने को म्यूजिक और यहाँ पे दाल के लिए नमक, खाने के अंदर दाल, ये सब रहे तो ही सही है बोलकर कह रहा है। ये यकीन हमको ये सब रहे तो हम खा सकते हैं, वरना नहीं खा सकते। अब यहाँ पर देखिए, ग्रामर में आ जाएंगे। पाटमलोनी गेयानी पाड़ंडी अभिनयचंडी, क्या कह रहा है वो? हमको कह रहा है कि गाने के जो पोएम आप पढ़े हैं उसको गाइए या उसको आप कैरेक्टर्स करके बताइए, ड्रामा के जैसा करके बताइए। सेकंड, अंडरो पाटाल्सिन विषया लेव चेप्पंडी, सब लोग किस चीज़ पे अमल करना चाहिए? तो यहाँ पर प्रजनंदरु ओकटानी विश्वसिंचाली, पहले यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैं सॉल्व किया था, वीडियो किसी वजह से डिलीट हो गई है, इसलिए मैं फिर आप दोबारा बना रहा हूँ। इतनी मेहनत से बना रहा हूँ यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मुझे डिमोटिवेट होता है। आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, आप देखेंगे तो आपके लिए ये वीडियो है, चैनल भी आपके लिए ही है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रजलंदर ओकटनी विश्वसंचारी, लोग सब एक है बोलकर हम यकीन करना चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, क्रिंदी वाक्यालु गेयंलो एक्कडुन्नायो गुर्तिंची वाटि किंद गीत गीयंडी, ये वर्ड्स आप पढ़ना है। इंटी की कप्पू, काली की चप्पू, पोएम में कहाँ पर है आप करना है? यहाँ पर है। देखिए, इंटी की कप्पू, काली की चप्पू, इसके नीचे अंडरलाइन करना है, आप कर लीजिए। उसको अंडरलाइन में नहीं कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर लीजिए।
उसके बाद गेयम लो तावत्तु पदालु गुर्तिंची सर्कल, गेयम में तावत्तु हमको मालूम है रेडिंग से जो भी रहते हो तावत्तु, यहाँ पे क्या कह रहा है तावत्तु दिया है यहाँ पर, असल ये प्रिंट मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेना है, ये असल होता है पावत्तु, हम पावत्तु का पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर है ना, ये पावत्तु है, प्रिंट मिस्टेक है, तो आप उसको सही कर लेना है, ये पा जहाँ पर भी है इसके नीचे अंडरलाइन आपको करना है, जो जो भी रेंडिंग से है इसको आप करेक्शन कर लीजिए। क्रिंदी पदाल चदवंडी ओत्तु न पदानी, इससे पहले हम कर चुके हैं, जहां पर ओत्तु है तो सर्कल डालना, ओत्तु ने इस वाले को स्क्वायर डालना। अब देखिए यहां पर जहां पर सर्कल डाले हैं कप्पा चप्पू अप्पू कप्पू ओप्पू, ये पूरे ये अप्पड़म, ये पूरे ओत्तुल वाले, बाकी के स्क्वायर डाले आप जहां पर पापा ओत्तुल नहीं है, इस तरह हम सॉल्व करें। क्रिंदी द्वितीय अक्षर सिर्फ इसको पढ़ना है, कैसा तप्पू उप्पू मुप्पू दुप्पी डप्पू निप्पू पप्पू कुप्पा तप्पेटा उप्पुड़ी चेप्पुलु तिप्पलु उप्पड़ा चप्पुड़ अप्पुडप्पुड़ मट्टी कप्पू, इस तरह पढ़े। नेक्स्ट क्रिंदी संयुक्त अक्षराल पदाल, संयुक्त अक्षराल माने मिले हुए वर्ड्स है, एक जगह मिले हुए, ओरपू नेरपु शिल्पी दर्पम शिल्पम सर्पम तोड़पाटु ओदार्पु अर्पिंचु तर्पणम कल्पितम वाक्पटिमा वाक्पटिमा, इस तरह है। यहां पर क्या करना है आप उसी तरह गुणितम लिखना है, पावत्तु पूर्वों को डालना है। यहां पर पिक्चर दे रखा है, पिक्चर के नेम से लिखना है, मेंढक है जिसको कप्पा कहते हैं, चप्पू स्लीपर है चप्पल कहते हैं, ये डप्पू है ये अग्नि है निप्पू कहते हैं इसको, ये ऑलरेडी मैं पहले से लिख रहा है आप देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये वर्ड दे दिया, कहीं से भी शुरू करना है आपको, यहां से कहीं से ऐसा डप्पू पप्पू नप्पू मुप्पा तप्पू तप्पा कप्पू चप्पू अप्पू कप्पू निप्पू कप्पू, ऐसा आपको मिला के लिखना है, यहां पर आपको लिख लेना है, जैसा मैं लिखा था कोप्पू अप्पू, इस तरह यहाँ पे लिखना है आपको, कुछ भी करना नहीं, ये वर्ड से ये वर्ड्स को आपको मिलाना है, ये पूरे वर्ड्स को मिलाकर लिखना है। यहाँ पर देखिए क्रिंदी पदालन उपयोगी सोंत वाक्याल रैंडी, ये ओन सेंटेंसेस लिखना है आपको। सर्पम माने सांप को कहते हैं, सर्पम विषकरम आयना जन सर्पम विषकरम आयना दी, सांप जहरीला होता है। अप्पू माने खर्ज, अप्पू चेयट मंचदी कादु, खर्जा करना अच्छी बात नहीं है। तप्पू गलती, एपड़ू तप्पूगा माटलाड़ा रादु, कभी भी गलत नहीं बात करना चाहिए। डप्पू माने ढपड़ा म्यूजिक, डप्पा यहाँ पे डप्पू डप्पू कोट्टडम अंटे नाकिष्टम, ढपड़ा बजाना मुझको पसंद है बोलकर हम लिख सकते हैं। एदी तप्पू एदी ओप्पू अने विषय पर इधर मित्रों मध्य संभाषण, कौन सा सही है कौन सा गलत है दोनों फ्रेंड्स के बीच में एक कन्वर्जेशन लिखना है। मैं छोटा सा कन्वर्जेशन यहाँ लिखा हूँ आपके लिए, देखिए राजू कह रहा है ई रोजु परीक्षा एला राशाओ, आज का एग्जाम तुम कैसे लिखे। रहीम बोल रहा बागा राशानो, अच्छा लिखा हूँ। राजू कह रहा है अन्य ओपुगा राशावा, क्या सब सही लिखे आंसर्स। रहीम कुन्नी तप्पुलु कूड़ा उंडचु, थोड़े गलत भी हो सकते हैं। राजू बोल रहा अलागा अलागा, इस तरह छोटा सा कन्वर्जेशन ही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।